हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तनुज पांच फोरन। आज मैं बनाऊंगी कोलकाता की बहुत ही पॉपुलर चटपटी सी रेसिपी चूरमूर माखा। कोलकाता में जो भी पानी पूरी यानी कि फुचका खाने आता है वो चूरमूर माखा भी जरूर खाता है। बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है ये, एक बार जरूर ट्राई करें। क्विक एंड सिंपल रेसिपी है, चलिए शुरू करते हैं। चूरमूर माखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पानी पूरी वाला आलू मसाला। इसे कैसे बनाना है आप मेरे पानी पूरी की रेसिपी में देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूंगी। इस आलू मसाले में मैंने ऑलरेडी सारे मसाले मिलाया हुआ है पहले से, तो इसलिए एक्स्ट्रा मसाला मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। फिर भी आप एक बार टेस्ट करके देख लें, अगर आपको कुछ भी कम लग रहा हो यानी कि नमक, खट्टा या तीखा, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम बाउल में डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ये पापड़िया। इसे कैसे बनाना है ये भी आप मेरे पानी पूरी की रेसिपी में देख सकते हैं। पूरिया बनाते समय जो पूड़िया हमारी फूली नहीं थी, जो पापड़ी बन गई थी, इसे मैंने रख दिया था और इसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पापड़ियों को हम इस तरीके से तोड़कर क्रश करके डालेंगे। आप चाहे तो पानी पूरी वाली पूरी भी डाल सकते हैं, मेरे पास पापड़िया रखी थी इसलिए मैं यही डाल रही हूँ। और ये रेसिपी बहुत ज्यादा चटपटी लगती है, एक बार बनाने के बाद इसे आप बार बार बनाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी इमली वाला खट्टा पानी। ये सेम वही पानी है जिसे हम पानी पूरी में डालते हैं, यानी कि जिस पानी से हम पानी पूरी खाते हैं। इसे कैसे बनाना है इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, पानी पूरी वाली रेसिपी में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से कटे हुए हरी मिर्च, 3-4 मिर्च डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कच्चे वाले आम डालेंगे स्लाइस करके। कच्चे वाले आम डालने से चूरमूर माखा का टेस्ट बहुत ही ज्यादा डबल ट्रिपल हो जाता है, मुझे तो बहुत पसंद है, आप भी ट्राई करके देखें। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से सेव भुजिया। जैसे हम चाट बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस से हमें इसे बनाना है। अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू मसाला मैंने ऑलरेडी पहले से तैयार करके रखा था, जिसमें मैंने प्याज, सारे मसाले, नमक वगैरह डाला हुआ था, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं डाल रही हूँ। पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, खट्टा, तीखा, प्याज, खीरा, टमाटर, अनार के दाने कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। थोड़े से हम इसमें बूंदी डालेंगे, प्लेन बूंदी है। इसे कैसे बनाना है इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूंगी। थोड़े से सेव भुजिया डालेंगे, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉस डालूंगी, आप चाहे तो इसके जगह में मीठी वाली इमली की चटनी डाल सकते हैं, इसकी रेसिपी भी मैंने डाली हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूंगी। धनिया का पत्ता छिड़केंगे, सेव भुजिया डालेंगे, इमली वाला खट्टा पानी डालेंगे। जैसे हम चाट बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है चूरमूर माखा बनाने का भी। पापड़ी क्रश करके डालेंगे, कच्चे आम के स्लाइस रखेंगे, थोड़ा सा टमाटो केचप डालेंगे और बस हमारा चूरमूर माखा टेस्टी यमी चटपटा वाला रेडी है। तो इसे एंजॉय करें और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए याद से बेल आइकन को जरूर ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।